हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है क्या चीज। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक मेथड है डिसइंफेक्शन का, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई पढ़ा था, जो पानी को ट्रीट करती है ड्रिंकेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में अलग अलग स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि वो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, फ्लोटिंग एलिमेंट्स हो गए, डस्ट हो गए, तो इन सबको अलग करती है, ठीक है। तो जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनके रिमूवल के बाद भी पानी में भी क्या हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, जर्म्स, ठीक है, ये हो सकते हैं। और साथ ही जो केमिकल्स के ऑर्गेनिज्म है वो भी पानी के अंदर हो सकते हैं, जो पानी को अभी भी इम्प्योर बनाते हैं और उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो डिसइंफेक्शन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी के अंदर उनको हम रिमूव करते हैं। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन भी एक मेथोलॉजी है डिसइंफेक्शन की। देखिए यहाँ पे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन की बहुत सारे मेथड्स हैं, सॉरी डिसइंफेक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसके अंदर हमें आज ये पढ़ना है क्लोरीनेशन मेथड, ठीक है। अगर आपको इन सारे मेथड्स के बारे में जानना है तो आप मेरे नोट्स ले सकते हैं मुझे कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने ये समझा कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या है, डिसइंफेक्शन करने का एक तरीका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर टू सच एक्सटेंड दैट नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट आल्सो अदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर आर डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। मीन्स ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन किसे कहेंगे, जब पानी के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया, ठीक है, और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किल हो और उनके साथ साथ भी अदर ऑर्गेनिज्म जैसे केमिकल्स हैं, तो केमिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके जैसे पानी का ऑर्डर, टेस्ट खराब हो जाता है। तो इन सारे ऑर्गेनिज्म को रिमूवल करना ही क्या कहलाता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। यानी कि ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि पानी पूरी तरह से क्लीन है, क्योंकि पहले ही पानी इम्प्योरिटीज दूर करके आया था, उस पानी को हमने क्या कर दिया, डिसइंफेक्शन कर दिया। यानी कि उनके जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और अदर ऑर्गेनिज्म थे उनको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर सारे जो इम्प्योरिटीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अदर ऑर्गेनिज्म हैं, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन Cl2 added in water, it used for different type of reaction as oxidation of reducing substance present in water and also free ammonia leaving behind the mainly free chlorine. जब क्लोरीन को पानी के अंदर डालते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन के अंदर यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि क्लोरीन का यूज उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी ऐसे सब्सटेंस है जिसको हमको रिड्यूस करना है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हमें रिड्यूस करना है उनका ऑक्सीडेशन करने में पहले तो क्लोरीन का यूज हो जाता है। साथ ही में फ्री अमोनिया लिविंग बिहाइंड द मेनली फ्री क्लोरीन, ठीक है, यानी कि क्लोरीन क्या करता है, जब रिएक्शन करता है तो साथ में फ्री अमोनिया का भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है। यानी कि पानी के अंदर जब हम क्लोरीन डालते हैं तो वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन भी करता है, साथ ही में फ्री अमोनिया भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, द फ्री क्लोरीन एंड क्लोरोएमीन कंबाइंड नोन एज फ्री रेसिड्यूअल क्लोरीन। तो जो भी क्लोरीन का प्रोडक्शन हुआ है और हमने जो और क्लोरीन डाल दी ऊपर से, तो जो कंबाइंड यानी कि फ्री क्लोरीन, जो क्लोरीन बच गया है वो और क्लोरोएमीन जो प्रोड्यूस हुआ है, उन दोनों को कंबाइंड में हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल क्लोरीन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है आगे को समझने के लिए। तो रेसिड्यूअल क्लोरीन क्या होता है, अमोनिया का जो प्रोडक्शन हुआ है वो और जो ऐसा क्लोरीन जो यूज हुआ ही नहीं है पानी के अंदर, उनको कंबाइंड में हम क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल क्लोरीन।
अब देखिए ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन डिपेंडिंग रेसिडुअल क्लोरीन पे करता है, यानी कि हम इसका जो डायग्राम होता है आप यही देखेंगे डायग्राम में कि हम कुल मिला के बात रेसिडुअल क्लोरीन की करते हैं कि रेसिडुअल क्लोरीन की का अमाउंट बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा, इस तरह से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप ये दिमाग में अच्छे से समझ लें कि रेसिडुअल क्लोरीन होता क्या है, और पूरा का पूरा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन डिपेंड रेसिडुअल के अमाउंट पे ही है। हम बस यही बात करेंगे कि स्टेज टू में रेसिडुअल क्लोरीन कितना था, स्टेज थर्ड में रेसिडुअल क्लोरीन कितना होगा, इस तरह से हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेज फर्स्ट। फॉर लो डोज ऑफ क्लोरीन ऑल द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज कंज्यूम्ड एंड देयर इज नो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन वाटर। जब हम पानी के अंदर लो डोज ऑफ क्लोरीन डालते हैं तो क्या होता है, सारा क्लोरीन यूज हो जाता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने के, तो कोई फ्री क्लोरीन बचता ही नहीं है। भले ही वहाँ पे फ्री अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा लेकिन फ्री क्लोरीन बचा नहीं, तो हम उसको रेसिडुअल क्लोरीन कैसे कहेंगे। तो रेसिडुअल क्लोरीन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या था कि रेसिडुअल क्लोरीन नहीं बना, ठीक है। सेकेंड स्टेज, एज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज इंक्रीजेज देयर इज अ स्टडी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन। तो जैसे ही हम क्लोरीन का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ था वो तो था और फ्री क्लोरीन कुछ बच जाता है, तो वो दोनों कंबाइंड में क्या कहलाते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन। तो इसका क्या मतलब है, जिससे हम क्लोरीन डालेंगे तो अगर उसका यूज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन के लिए तो इंक्रीज होगी अमाउंट किसकी, रेसिडुअल क्लोरीन की, ठीक है। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी क्लोरीन की और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक का जो कंपाउंड बनता है उसकी वजह से रेसिडुअल क्लोरीन का अमाउंट धीरे धीरे स्टडी इंक्रीज होती है, ठीक है। विदाउट ऑक्सीडेशन देम क्लोरोएमीन हैव इन किलिंग द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में बस आपको यही याद रखना है कि जब हम क्लोरीन और एक्स्ट्रा डालते हैं तो जो क्लोरोएमीन पेंट बना हुआ था और जो अभी क्लोरीन है अगर वो यूज नहीं आ रही है तो उनको साथ में कंबाइन में क्या कहेंगे, रेसिडुअल क्लोरीन। तो इस स्टडी इंक्रीज होती है सेकेंड स्टेज के अंदर रेसिडुअल क्लोरीन की। थर्ड स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, फर्दर इंक्रीज ऑफ क्लोरीन डोज क्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरोएमिन्स, देयरफॉर रेसिडुअल क्लोरीन सीम डिक्रीजिंग इट रीच एट द एंड पॉइंट कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या होता है जब हम फर्दर इंक्रीज करते हैं क्लोरीन के अमाउंट को तो वो क्या करता है कि उनके अंदर जो भी रेसिडुअल क्लोरीन बना है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या है, नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा लेकिन अगर उसके अंदर कोई और भी केमिकल ऑर्गेनिज्म है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन का जो अमाउंट है वो घटना शुरू हो जाता है क्योंकि फर्दर इंक्रीज इन क्लोरीन, क्लोरीन का डोज हमने बढ़ा दिया, अब उसके अंदर रिड्यूसिंग सब्सटेंस पूरी तरह से रिड्यूस हो चुके थे पहले, तो अब क्लोरीन का यूज कहीं आ नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि जो भी रेसिडुअल क्लोरीन का अमाउंट बचता है ना उसको धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो थर्ड स्टेज के अंदर रेसिडुअल क्लोरीन का जो अमाउंट है बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पॉइंट। तो अब ब्रेक पॉइंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रेक पॉइंट हमें क्या इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेट करता है कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुके हैं अब रेसिडुअल क्लोरीन भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि पानी पूरी तरह से क्लीन है लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हुए इसकी वजह से रेसिडुअल क्लोरीन बढ़ना शुरू हुआ लेकिन हमने फिर इंक्रीज किया क्लोरीन के अमाउंट को तो इसलिए रेसिडुअल क्लोरीन भी खत्म हो गया। तो ब्रेक पॉइंट पर हमें यह पता चलता है कि रेसिडुअल क्लोरीन नहीं बचा है। रेसिडुअल क्लोरीन नहीं बचा का क्या मतलब है कि पानी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बचे हैं, तो इसीलिए ब्रेक पॉइंट इसको ही हम इस पॉइंट को हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। एट ब्रेक पॉइंट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव कलर ऑर्डर बैड टेस्ट एंड बैक्टीरिया आर अनश्योर्ड, यानी कि ये श्योर हो जाता है कि अब पानी के अंदर बैड टेस्ट बैड कलर और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बचे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेज के अंदर मेनली ये बात कही गई कि थर्ड स्टेज रेसिडुअल क्लोरीन है उसका जो अमाउंट है बिल्कुल तरह से खत्म हो जाता है। तो रेसिडुअल का अमाउंट खत्म हो जाने का मतलब यही है कि वो
क्योंकि इंक्रीज क्यों हुआ था रेसिडुअल क्लोरीन, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया थे वो खत्म हो चुके थे, तो क्लोरीन कहीं यूज नहीं रहा था, तो इसलिए रेसिडुअल क्लोरीन की जो अमाउंट है वो बढ़ा। अब थर्ड स्टेज में वो भी खत्म हो गया, इसका मतलब यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो गए और अदर ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो गए, यानी कि पानी पूरी तरह से प्योर है। फोर्थ स्टेज, फर्दर एडिशन ऑफ क्लोरीन डू नॉट यूज इन एनी रिएक्शन टच द रेसिडुअल क्लोरीन कीप ऑन इंक्रीजिंग। दिस फ्री और रेसिडुअल क्लोरीन शुड नॉट मोर देन 0.2 ppm सिंस इट क्यूज बैड ऑर्डर एंड टेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन खत्म हो गया लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन डाल रहे हैं उसके अंदर। तो अब वो क्लोरीन क्या होता है, ठीक है, फ्री क्लोरीन बचता है। उस फ्री क्लोरीन की वजह से क्या होता है, जो भी फ्री अमोनिया होते हैं ना, उनको वो सब मिलकर क्या बना देते हैं, वापस रेसिडुअल क्लोरीन का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। अब रेसिडुअल क्लोरीन का जो फोर्थ स्टेज में क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन की जो भी अमाउंट है वापस बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, फ्यूचर के लिए वो रेसिडुअल क्लोरीन यूज आते हैं। अगर फ्यूचर में अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो वो रेसिडुअल क्लोरीन क्या करते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, लेकिन उनका अमाउंट 0.2 ppm से कम ही होना चाहिए, तो पाने का टेस्ट खराब हो जाता है। अब एडवांटेज देख लेते हैं, इट मूव्स बैड ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑफकोर्स इट मूव रिमूव्स 100% ऑफ ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर देता है। द इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वीड्स, यानी कि पानी के अंदर फिर से बैक्टीरिया को पनपने से रोकता भी है, ब्रेकपॉइंट क्लोरिनेशन का मेथड। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेते हैं, बस डायग्राम आपको बनाना ही है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप भले थोड़ा कम लिख रहे हैं डायग्राम बनाइए। इसमें आपको क्या करना है कि अप्लाइड क्लोरीन डोज और रेसिडुअल क्लोरीन का जो है उसके बीच में आपको ग्राफ शो करना है। तो बहुत सीधी सी बात है, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, कुछ भी सारी जो ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग कंपोनेंट बाय क्लोरीन, क्लोरीन का जो सारा अमाउंट है वो ऑक्सीडेशन करने में चला गया, इसकी वजह से कोई भी किसी प्रकार का रेसिडुअल क्लोरीन बचा ही नहीं। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरामीन। तो सेकंड स्टेज में क्या था, क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इसके वजह से स्टडी इंक्रीज हुई थी। सेकंड स्टेज में क्या हुई, स्टडी इंक्रीज हुई थी रेसिडुअल क्लोरीन की, तो वो हुई। ठीक है, अब थर्ड स्टेज के अंदर क्या हुआ कि अब डिस्ट्रक्शन हो गया, जो भी क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था ना वो अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। तो वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ तो उसकी वजह से ये रेसिडुअल क्लोरीन का जो अमाउंट है वो बिल्कुल खत्म हो गया था। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। तो एग्जाम में यहाँ पे बहुत अच्छे से शो करेगा कि इसको हम ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहते हैं। जब हम और क्लोरीन डालते हैं, फर्दर एडिशन ऑफ क्लोरीन क्या करता है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन वापस बन जाते हैं, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, तो उसकी वजह से वापस स्टडी इंक्रीज होती है रेसिडुअल क्लोरीन की। तो यही था उसका डायग्राम, बहुत ही ईजी है, स्टेज याद है आप बना दीजिए। ठीक है, तो एग्जाम में आप ये जरूर बना के आइए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया ना, तो आप मुझसे मेरा नोट्स मांग सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय, टेक केयर।